तो यार ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी बच्चों के लिए जो जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनको सीट अलॉट हुई है, अभी तक अलॉट नहीं हुई है, राउंड 5 तक अलॉट हो जाएगी। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जो आपको प्रेजेंट करने होंगे जब आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग हो रही होगी। तो क्योंकि बहुत सारे बात ऐसा होता है कि लाइक बच्चे को सीट तो अलॉट हो जाती है पर उसके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं रहते जो फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम उसे शो करने होते हैं, इसके वजह से उसकी सीट कैंसिल हो जाती है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप कैसे कि आपको पता होगा राउंड 3 का जो आपका अलॉटमेंट है वो 4th of July को आने वाला है, राइट? आपको 4th of July को आपको जोसा के पोर्टल पे अराउंड 5 बजे तक आपका जो भी राउंड 3 का अलॉटमेंट है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो कमेंट कर देना कि कौन कौन से लाइक क्या क्या सीट्स आपको अलॉट हो रही हैं। बाकी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात करें तो जो भी आपको सीट अलॉट होगी, जो भी आपको सीट अलॉट हो रही है राउंड 1 में, राउंड 2 में, राउंड 3 में, राउंड 4 में या राउंड 5 में, उसका एक प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर आता है, वो डाउनलोड कर लेना, वो आपको दिखाना पड़ेगा वहाँ पे। इसके बाद आपकी सीट एक्सेप्टेंस फीस, जो आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस दी हुई है लाइक उसकी जो रिसिप्ट होती है वो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जे मेन्स का एडमिट कार्ड, जे मेन्स 2024 का रैंक कार्ड या स्कोर कार्ड। इसके बाद बात करें तो कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, लाइक अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी से हो, एससी से हो, एसटी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, तो इस केस में आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपना शो करना पड़ेगा, ठीक है। रिसिप्ट ऑफ फी पेमेंट, जो भी आपने SAF पे किया है या पार्सली जो सीट एक्सेप्टेंस फीस आप पे कर रहे हैं वो। इसके बाद क्लास 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, क्लास 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। अभी तो आपके पास लेकिन अगर क्लास 12th की मार्कशीट तब तक भी नहीं आती है उस केस में आपको क्या करना है, मार्कशीट का जो भी प्रिंट आउट है वो निकलवाना है, लाइक जहां से भी स्कोर कार्ड आप डाउनलोड करते हो वहां से, प्लस उस पे जो भी जिस भी स्कूल से हो आपको वहां पे आप अपने प्रिंसिपल से स्टाम्प लगवा सकते हो, तो वो आपकी जो भी लाइक मार्कशीट है वो वैलिड रहेगी। इसके बाद आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, गैप सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, लाइक गैप सर्टिफिकेट, अगर सपोज गैप सर्टिफिकेट किस केस में लगाना है, अगर सपोज आपने से 2024 चल रहा है, ठीक है, अगर आपने इस ईयर अपनी 12th की हुई है तो आपको गैप सर्टिफिकेट नहीं देना है। गैप सर्टिफिकेट उनके लिए है जिन्होंने 2023 या फिर 2022 में अपनी 12th पास आउट की हुई है, तो उस केस में आपको गैप सर्टिफिकेट देना है। गैप सर्टिफिकेट होता है क्या, बेसिकली एक एफिडेविट होती है, आप किसी भी तहसील पर चले जाओगे, जो भी आपकी सिटी की तहसील होगी वहां पर चले जाना, वहां पर कोई भी लिखपाल होगा उससे बोल देना कि भैया मुझे एक गैप सर्टिफिकेट या गैप एफिडेविट बना के दे दो, तो वो एक नोटरी पे बना के दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट लगेगा आपका, इसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट उसी सीक्वेंस में लगेगा जिस लाइक जो उसी आपके क्या नाम है फ्रेम में लगेगा, जो फ्रेम जोसा ने दिया हुआ है, तो वो फ्रेम आपको कहाँ मिलेगा, वो आप जोसा की वेबसाइट पे जाओगे, वो मेडिकल सर्टिफिकेट देखोगे तो आपको एक फॉर्मेट मिल जाएगा कि किस फॉर्मेट में आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद बात करें तो आधार कार्ड लगने वाला है जो भी आपका वैलिड आईडी प्रूफ के लिए, ठीक है। इफ इन केस आपके पास आधार कार्ड नहीं है, ठीक है, तो आप वहाँ पे वोटर आईडी या जो क्या नाम पैन कार्ड होता है, आपके पास पैन कार्ड होगा तो ट्राई करना आधार कार्ड, आधार कार्ड मैंडेटरी होता है, ठीक है, मतलब एक फोटो प्रूफ आपके पास होना चाहिए। इसके बाद बात करें तो एंटी रैगिंग एफिडेविट, antiragging.com पे जाना, एंटी रैगिंग एफिडेविट, वहाँ पे आप क्या कुछ नहीं करना, अपना फॉर्म फिल कर देना, हमें सारी डिटेल फिल कर देनी है, एक एफिडेविट आ जाएगी, उसको प्रिंट करके एंटी रैगिंग एफिडेविट फिल कर देना। इसके बाद इफ इन केस अगर PWD कैंडिडेट हो आप, तो जो PWD सर्टिफिकेट होता है उसकी रिक्वायरमेंट आपको होगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, जो भी आप लाइक फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम जाओगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, इसको प्रॉपरली एक फाइल में अरेंज कर लेना जिससे तुम्हारा एडमिशन, तुम्हारी सीट सिक्योर रहे। बाकी बात करें कि अगर भैया राउंड 5 तक मुझे सीट अलॉट नहीं हुई, तो राउंड 5 तक सीट अलॉट नहीं हुई तो आपको अगर कोई सीट अलॉट नहीं हुई है तो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग भी नहीं करनी है, राइट? अगर आपको कोई सीट अलॉट नहीं हो रही है तो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं करनी है, राइट? अब तुम्हारे पास क्या ऑप्शन बचता है, तुम्हारे पास ऑप्शन बचता है सीसैप राउंड का। सीसैप का शेड्यूल आ चुका है, 29th of July से उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, 1st of August तक उसका रजिस्ट्रेशन है, फिर आपके सीसैप के अलॉटमेंट आएंगे। अब भैया मुझे तो पता नहीं कि सीसैप में कौन सी सीट मुझे मिल सकती है या क्या सीट मिलेगी, उसके लिए क्या करना है आपको, उसके लिए आपको जो है हमारे studentkhabri.com पे जाना है। studentkhabri.com पे आप जाओगे, ठीक है, आपको एक साइट इस तरीके से दिख जा रही होगी, इसको मैं वाइट कर देता हूँ, ठीक है, आप जो भी फर्स्ट साइट है उस पर चले जाना, ये आपको इस तरीके से एक होम पेज दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रेडिक्टर्स में जाना है, सीसैप प्रेडिक्टर में जाओगे, ठीक है, यहाँ पे हम गए। अब सपोज मेरी 1,00,000 रैंक है, मुझे सपोज कॉलेज नहीं अलॉट हुआ है, 1,00,000 रैंक है, मैं अपना एग्ज़ाम सेलेक्ट कर लूँगा जेएमएस, कैटेगरी सेलेक्ट कर ली ओपन और प्रेडिक्ट कर दिया, तो मेरे पास जो जो भी ऑप्शन बनने होंगे NITs के, GFTIs के, वो मुझे यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई मुझे मिल रहा है, बिरला इंस्टीट्यूट देवगढ़ कैंपस में ECSE ब्रांचेस मिल रही हैं, CS इंजीनियरिंग मिल रही है अगर मैं होम स्टेट से बिलोंग कर रहा हूँ, राजस्थान का हूँ, तो
जेके इंस्टीट्यूट मिल रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT हमीरपुर मिल रहा है, अगर आप हमीरपुर से बिलोंग करते हो तो आपको वहाँ पे इंजीनियरिंग, फिजिक्स, मटेरियल साइंस, सिविल इंजीनियरिंग जैसी ब्रांचेस मिल रही है, ठीक है। तो ये प्रेडिक्टर है, studentcafe.com पे आपको जाना है। अगर आपको राउंड 5 तक भी सीट नहीं अलॉट हो रही है, लग रहा है कि बहुत ज्यादा हाई रैंक है, नहीं सीट अलॉट होगी, CSAP काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, तो ये प्रेडिक्टर आप यूज कर सकते हो। एक नॉमिनल सा चार्ज है, आप इसको लिंक कहाँ मिलेगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी आपको और कोई डाउट है, आपको जानना है कि आपके रैंक पर कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कौन से स्टेट काउंसलिंग है जहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हो, तो उस सबके लिए प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जाके फिल कर सकते हो। बाकी कोई डाउट है कॉमेंट कर दो, हमारी टीम ट्राई करेगी उसका रिप्लाई देने का। तब तक के लिए यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कर लो।